उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसे ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुखिया ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि राहुल बाबा और अखिलेश बाबा दोनों ही विलायत में पड़े हैं और वो देश की नब्ज को नहीं पहचानते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में भी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो गांधी परिवार अमेठी से अब तक चुनाव लड़ा करता था, वो इस चुनाव में इतना भयभीत हो गया है कि उसने अपनी परंपरागत सीट ही बदल ली। इंडिया गठबंधन के अधिकांश लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने स्वाति मालीवाल को लेकर भी बयान दिया। देखिए, राहुल बाबा और अखिलेश बाबा दोनों विलायत में पढ़ के आए हैं, अभी देश की जानकारी उनको लेनी है और इन दोनों की जोड़ी पहले भी जनता ने नकार दी है। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी इनकी हार होने वाली है और देश के अंदर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी, उनके परिवार के इंदिरा जी से लेकर सब लोग उस वहाँ चुनाव में खड़े होते थे, इस बार उस सीट से ये पलायन कर गए हैं। इसका अर्थ है कि जब एक पार्टी के युवराज अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हार सामने दिखाई दे रही है और ये हार केवल अमेठी में नहीं पूरे देश के अंदर होने वाली है। देखिए, ममता जी हों या इनके जितने भी इस प्रकार के दल हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये हमेशा हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक पदों पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऐसे पदों का भी ये मजाक उड़ाते रहे हैं, मखौल उड़ाते रहे हैं और इन्होंने संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, वो एक वर्ग विशेष के लोगों को जो दिया है, वो एक कर्नाटका में भी इन्होंने किया है, बंगाल में भी किया है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय भी ये मानने से इनकार कर रहे हैं।